हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एंड हर बार की तरह इस बार भी चैनल में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। तो मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ सिविल के बारे में कुछ नॉलेज, जो आपको जो भी जितना भी सिविल इंजीनियर है उसको जो आप उसके लाइफ में या उसके जॉब रिक्वायरमेंट में उसको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो चलो मैं आप बताऊँगा कि जो कोई किसी भी हाईवे रोड बनने से पहले उसमें क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले प्रोसेस हम लोग का तो होता ही जानते हैं कि उसमें पहले सर्वेइंग का काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो है CNG, क्लीनिंग एंड ग्रम्पिंग, जो कि हम लोग का यहाँ पे साइड पे चल रहा है। देखो, आपको सामने दिखा रहे हैं, ये है सी, आपको पोकलाइन दिखाई दे रहे होंगे। ये जो हम लोग का यहाँ पे बेड को, इसमें जो हम लोग का एक रोड बनेगा जिसको हम लोग CNG करते हैं, इसका सर्वे हो चुका है। जब हम लोग का CNG प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद हम लोग करेंगे इसके ऊपर ग्रेडिंग करेंगे, उसके बाद फिर इसके ऊपर रोलिंग करेंगे। फिर रोलिंग होने के बाद फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, एक OGL निकालेंगे। OGL का मतलब सुन लेंगे। OGL लेने के बाद इसको हम लोग जो है इसका रिपोर्ट ऑफिस में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपको पता ही होगा इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जो इसमें सबग्रेड फिलिंग होगा, सबग्रेड फिलिंग जिसमें कि हम लोग 0.5 मीटर का लेते हैं एम्बैकमेंट टॉप से, उसका 0.5 मीटर का होता है। उसके बाद जब हम लोग का GSB प्रोसेस, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबग्रेड के बाद GSB इसका लेइंग करते हैं, जो कि ये सीधे हम लोग का जो सबग्रेड के बाद GSB का होता है। उसके बाद जब हम लोग को GSB होने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर WMM का फर्स्ट लेयर को लेइंग करते हैं, जो कि हम लोग का ये 100 mm का होता है। मिनिमम जो है 75 mm होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे हाईवे बना रहे हैं, इसलिए हम लोग को 100 mm का फर्स्ट लेयर को डाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंड लेयर डालते हैं, जो कि हम लोग का तो हम लोग एक फर्स्ट लेयर एक 100 mm का डालते हैं और फिर सेकंड लेयर को डालते हैं वो 100 mm का डालते हैं। उसके बाद जब यह WMM का लेइंग हो जाता है, DBM का लेइंग करते हैं। इसका थिकनेस अकॉर्डिंग टू रोड, अकॉर्डिंग टू टेरियन के हिसाब से होता है। अगर हम लोग का रोड हाईवे है तो उसमें हम लोग का जो थिकनेस जो है DBM का वो 65 का होता है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग जब से DBM लिंक कर देंगे, उसके बाद उस पर ऊपर जो है DBM के ऊपर टॉप में हम लोग को टैग कोड डालना पड़ता है, जो कि हम लोग को फाउंडेशन के लिए ज़रूरी होता है, जो कि हम लोग भी DBM और BC के बीच एक अच्छा फाउंडेशन बन पाए, इसलिए हम लोग जो है टैग कोड का प्रयोग करते हैं। और टैग कोड डालने के बाद फिर उसमें हम लोग को BC का लिंक करते हैं। तो उसके बाद सारा प्रोसेस, जैसे BC का लिंक होने के बाद हम लोग का एक ये रोड प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद हमको बहुत सारा काम रहता है, जैसे कि उसमें एक पट्टी डालना होता है वाइट कलर का, जिसको आप जानते हैं, एंड प्लस उसको रोड को डिवाइड करने के लिए डालते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसमें साइन बोर्ड लगाते हैं, स्टोन बोर्ड लगाते हैं, ट्रैक्शन बोर्ड, इतना भी जितना भी होता है वो सब लगाने के बाद, एक सब कुछ होने के बाद हम लोग जो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, जो कंपनी ने हमको दिए हैं इस रोड प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। आया दोस्तों वीडियो में, मैं मेरे तरफ से जितना हो सका मैं आपको कुछ नॉलेज आपके यूट्यूब के थ्रू आपको प्रोवाइड कर किया हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए या फिर कुछ समझ में आए या फिर कुछ डाउट हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।